हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी डूइंग वेल एंड इन गुड हेल्थ। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के चैप्टर को और आगे लेके जाने वाले हैं, मतलब हम और हायर लेवल की कुछ ट्रांजेक्शन्स को करेंगे। इसको हमने नाम दिया है ट्रिकी ट्रांजेक्शन्स। इससे पहले के वीडियोज़ में स्टूडेंट्स, हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर समझा इन अकाउंट, मतलब जिसको हम छोटी गलती मानते हैं, किसी अकाउंट में गलत कर दिया या कोई नाम गलत लिख दिया, सुरेश की जगह रमेश लिख दिया, रमेश की जगह सुरेश लिख दिया, या कोई अकाउंट गलत कर दिया, सैलरी अकाउंट की जगह रेंट अकाउंट लिख दिया, इस तरह के मिस्टेक्स जिसको हम कहते हैं कि थोड़ी गलती हो गई, छोटी मिस्टेक्स। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने समझा था एरर्स इन सब्सिडरी बुक्स, जिसका मतलब था बुक में एरर हुई है तो हम ये मान के चलते थे कि पूरी जनरल एंट्री गलत बनी हुई है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही गलत बने हुए हैं। और इससे पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स, हमने टोटलिंग एरर्स के ऊपर जनरल एंट्रीज को रेक्टिफाई किया, जिसमें टोटल या तो अंडरकास्ट था या ओवरकास्ट था, जिसको हमने सस्पेंस अकाउंट बना के उसको रेक्टिफाई किया। आज के इस वीडियो को स्टूडेंट्स, हमने नाम दिया है ट्रिकी ट्रांजेक्शंस, बल्कि मुझे ट्रिकी वर्ड भी यूज़ नहीं करना चाहिए था, मुझे यूज़ करना चाहिए था एबनॉर्मल ट्रांजेक्शंस, क्योंकि ये वो ट्रांजेक्शंस हैं जिसमें मैं कह सकता हूँ कि अकाउंटेंट का ध्यान काम पे नहीं था, उसका ध्यान कहीं और था, उसने बिल्कुल ऊट पटांग की एंट्रीज़ करी हैं। ऐसी एंट्रीज़ हैं कि उसको बाद में दिखाई जाए तो वो खुद भी नहीं बता सकेगा कि उसने क्या किया है। या तो दोनों एंट्रीज़ डेबिट में डाल दी, डेबिट क्रेडिट की जगह डेबिट में डाल दी, या दोनों एंट्रीज़ क्रेडिट में डाल दी, डेबिट में कुछ डाला ही नहीं, कुछ अमाउंट डाल दिया कहीं, कुछ कोई सर पैर नहीं, बिल्कुल ऊल जलूल की एंट्रीज़ हैं। आप कह सकते हो गुड़ गोबर कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हम उनको देखेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। चलिए चलते हैं, ट्रांजैक्शंस को देखते हैं, आप एंजॉय करने वाले। सबसे पहली ट्रांजैक्शंस है स्टूडेंट्स, गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न्ड बाय वर्मा। यहीं से ही हम करेक्ट ट्रांजैक्शंस बना सकते हैं कि ये सेल्स रिटर्न का केस है, ₹2000 जो वर्मा का था उसने सेल्स रिटर्न किया है। तो सेल्स रिटर्न हमारा किस में आता है? डेबिट साइड में आता है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹2000 से टू वर्मा, ये हमारी करेक्ट एंट्री हो गई, टू वर्मा अकाउंट। अब अकाउंटेंट ने क्या कर दिया इसको हम समझते हैं, वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक। अब देखिए, सेल्स रिटर्न को सेल्स मान लिया, एक और फ्रेश सेल्स मान लिया, तो सेल्स मानी है तो हम ये मान के चल सकते हैं कि उसने सेल्स को क्रेडिट में ही बुक किया होगा, तो हम अभी हमें डेबिट का नहीं पता, टू सेल्स अकाउंट ₹2000, ठीक है। और आगे देखते हैं, एंड पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफिस अकाउंट, उसने दोनों एंट्रीज क्रेडिट में ही कर दी, वर्मा जी को भी क्रेडिट कर दिया और सेल्स अकाउंट को भी क्रेडिट कर दिया, टू वर्मा अकाउंट ₹2000 से। अब देखिए, दोनों ट्रांजैक्शंस क्रेडिट में है, डेबिट में कुछ किया ही नहीं है। अब हम रेक्टिफाइड एंट्री बनाते हैं। अब हमने ये देखना है कि इन दोनों ट्रांजैक्शंस में कुछ कॉमन है क्या? यस, कॉमन है, वर्मा अकाउंट जो है दोनों साइड आ रहा है ना, तो वर्मा अकाउंट का तो रेक्टिफिकेशन में जगह नहीं मिलेगी। अब क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट को तो हम डेबिट करेंगे ही, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट ₹2000 से, और उसके बाद सेल्स अकाउंट जो इनकरेक्ट साइड एंट्री में है और क्रेडिट साइड में बैठा हुआ है, इसको हमने डेबिट साइड में ले जाना है, सेल्स अकाउंट डेबिट ₹2000। तो अब क्रेडिट किसको करेंगे? टू सस्पेंस अकाउंट, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री हो गई हमारी। अब आप इसके बाद नरेशंस लिख देंगे, ये सारी कहानी लिखने के बाद लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि मेरे इससे पहले के जो वीडियोस हैं आप उनको पहले देखना, अगर आप डायरेक्ट ये देख रहे हो तो गलत कर रहे हो, क्योंकि हम स्टेप वाइज चले हैं। हमने पहले शुरू में थोड़ी हल्की ट्रांजेक्शन्स ली जिसमें आप आराम से समझ सकते थे, उसके बाद हमने थोड़ी डिफ़िकल्ट लेवल की ली, फिर और डिफ़िकल्ट लेवल की ली, और अब ये सबसे मैक्सिमम पे हैं। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर देख रहे हो जो हायर लेवल का है,
तो आपको मुश्किल होगी समझने में। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि आप सीरियल से ही देखें। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। सेल्स टू बंसी ऑन क्रेडिट ₹250। सेल की है बंसी को तो हम बंसी अकाउंट को डेबिट करेंगे। बंसी अकाउंट डेबिट, ये हमारी करेक्ट एंट्री है ₹250 की। टू सेल्स अकाउंट ₹250 से। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया है। हैज़ बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट ₹2050। यहाँ पे एक चीज़ देखनी है आप स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था जब अकाउंट लिखा हुआ हो तब आप ये मान के चलिए कि आधी ट्रांजैक्शन सही हुई है। अगर यहाँ बुक लिखा हुआ होता तब ये मान के चलते कि पूरी ट्रांजैक्शन गलत है। जब हाफ़ ट्रांजैक्शन सही हुई है तो इसका मतलब एंट्री जो हुई है बंसी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 250 से सेल्स अकाउंट की एंट्री करेक्ट हुई है और उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 2050 से 2050। अब देखिए कहीं कुछ मैच नहीं कर रहा। जब ये डेबिट क्रेडिट मैच नहीं किया उसने कैसे पोस्ट कर दिया मुझे समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, हम रेक्टिफाई करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे सेल्स अकाउंट जो है हमारा कॉमन जा रहा है तो सेल्स अकाउंट को रेक्टिफाइड एंट्री में कोई जगह नहीं मिलेगी। जगह किसको मिलेगी? बंसी अकाउंट को। बंसी अकाउंट ₹250 होना चाहिए था, ज़्यादा से डेबिट हो गया ₹2050 से। हमारे डेटर्स जो हैं ₹2050 से बढ़ा के लिख दिए हैं तो हमें कम करना है। तो कम करते वक्त हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने पहले सीखा वैसे इसकी साइड को पोजीशन को चेंज करते हैं। तो बंसी को हम क्रेडिट करेंगे कितने से? इन दोनों के डिफरेंस से, ₹1800 के डिफरेंस से, और सस्पेंस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री हो गई सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बंसी अकाउंट ₹1800 से। क्लियर है? आपको समझ में आ गया हमने अकाउंट क्यों चेंज किया, साइड पोजीशन क्यों चेंज की? क्योंकि हमें अमाउंट कम करना था। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक में एंटर हुआ है, इसका मतलब कि सेल्स रिटर्न है हमारी। हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा हु रिटर्न्ड द गुड्स। शर्मा जी के अकाउंट में डेबिट कर दिया गया जिसने गुड्स को वापस किया है। तो पहले तो करेक्ट एंट्री बनाते हैं, सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं, शर्मा को हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितने रुपए से है ये स्टूडेंट्स? ₹3000 से टू शर्मा अकाउंट 3000। ये तो हो गई हमारी करेक्ट एंट्री। अब देखते हैं हुआ क्या है। ₹3000 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो इसका मतलब बुक हो चुका है करेक्टली, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हुआ है ₹3000 से। और हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शर्मा, शर्मा को भी डेबिट कर दिया है, मतलब दोनों अकाउंट डेबिट में कर दिए हैं, क्रेडिट में कुछ किया ही नहीं है शर्मा अकाउंट ₹3000, क्रेडिट में कोई एंट्री नहीं है, टू नथिंग। अब देखिए किस किस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम देखते हैं इसमें हमें कुछ मिल रहा है कॉमन। यस, हमें कॉमन मिल रहा है, सेल्स रिटर्न अकाउंट हमारे को कॉमन मिल रहा है जो डेबिट साइड में है। शर्मा अकाउंट जो करेक्ट एंट्री में है क्रेडिट साइड में है तो हमें क्रेडिट में तो लिखना ही पड़ेगा, और यहाँ पे शर्मा अकाउंट डेबिट साइड में है इनकरेक्ट एंट्री में तो इसको भी पोजीशन चेंज करके हमें क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा। तो क्रेडिट में ही अकाउंट हो गए 3000 और 3000 6000 के, और डेबिट हमारा हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट। तो क्या करेक्ट एंट्री बनेगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मा अकाउंट ₹6000 से। इसके बाद आप नरेशंस लिख देंगे जो भी कहानी हुई है, और उसके बाद लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ गया?
करेक्ट एंट्री में शर्मा अकाउंट हमारा क्रेडिट में था 3,000 रुपीज़, ये तो हमें क्रेडिट में लिखना ही था, और इनकरेक्ट एंट्री में शर्मा अकाउंट डेबिट साइड में था जिसकी पोजीशन चेंज करके हमें क्रेडिट साइड में लानी थी, तो 3,000 और 3,000 रुपीज़ हो गया 6,000 रुपीज़। आई होप आपको सब सब ट्रांजेक्शन समझ में आ रही होंगी, आप इन्जॉय कर रहे होंगे, आप इन ट्रांजेक्शन को नोट कर लीजिए, मैं और इंटरेस्टिंग ट्रांजेक्शन आपके लिए लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, और आगे चलते हैं और ट्रांजेक्शन को देखते हैं। डिस्काउंट अलाउड टू मोहन एंड कंपनी ₹118 ऑन पेमेंट ऑफ ₹4118। हमने मोहन एंड कंपनी से 4,118 लेने थे, 118 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो इसका मतलब कितने पैसे लिए, 4,000 रुपये लिए। तो क्या करेक्ट एंट्री बनेगी इसकी फोर्थ ट्रांजेक्शन की, कैश अकाउंट डेबिट 4,000 रुपीज़ उसने दे दिए, डिस्काउंट कितना दिया, डिस्काउंट को हम क्या मान के चलेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, ये भी एक तरह से हमारा एक्सपेंस हो गया इसलिए हमने इसको डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 118 रुपये से टू मोहन एंड कंपनी, ये करेक्ट एंट्री बनी हमारी 4,118। अब देखते हैं क्या गलती करी अकाउंटेंट ने, हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड जो है वो कैश बुक में एंटर नहीं हुआ, कोई बात नहीं। द अकाउंट ऑफ मोहन एंड कंपनी हैज़ हाउएवर बीन रिकॉर्डेड करेक्टली रुपीज़ इतने, ये कहता है अकाउंटेंट ने एक गनीमत करी है कि मोहन एंड कंपनी को सही अमाउंट से ही क्रेडिट किया है, 4,118 से ही किया है, द अकाउंट ऑफ मोहन एंड कंपनी हैज़ हाउएवर बीन रिकॉर्डेड करेक्टली। तो अब देखिए उसने क्या गलती करी होगी, डिस्काउंट को तो उसने कंसिडर नहीं किया है, तो कैश अकाउंट किया है, ₹4,000, और क्या एंट्री डाली है, टू मोहन एंड कंपनी, ये करेक्ट एंट्री डाल दी है, मोहन एंड कंपनी 4,118, इसमें क्या नहीं किया, डिस्काउंट को कंसिडर नहीं किया, एक तरफ डेबिट डाल दिया 4,000 का और क्रेडिट डाल दिया 4,118 का। तो इसकी चलिए रेक्टिफाई एंट्री बनाते हैं, पहले हम देखते हैं इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं, यस कॉमन है, इसमें हम देख रहे हैं कि मोहन अकाउंट जो है इसमें कॉमन है 4,118 से, यहाँ पे भी मोहन अकाउंट है और यहाँ पे भी मोहन अकाउंट है, क्रेडिट साइड में है दोनों, तो हम मोहन अकाउंट को तो हम इग्नोर कर देंगे। दूसरा आप देखेंगे कैश अकाउंट भी हमारा डेबिट साइड में है, दोनों तरफ कॉमन है, तो कैश अकाउंट को भी हमने इग्नोर कर दिया। अब रह गया सिर्फ से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हमारा करेक्ट साइड में बैठा हुआ है, तो हमने इसको डेबिट साइड में ही रखना है, एंट्री बनेगी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, ₹118, ये करेक्ट एंट्री बन गई हमारी, और नरेशंस लिख देंगे, आप पूरी कहानी लिखोगे और फिर लिख दोगे नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है समझ में आ गया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ चलें। चले चलते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन को देखते हैं क्या हुआ है, रिसीव्ड ₹2,500 फ्रॉम किशोर, इससे हमें पता लग गया कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए, हमें कैश मिला है किशोर से, तो करेक्ट एंट्री हमारी बनी कैश अकाउंट डेबिट 2,500 टू किशोर 2,500। अब देखते हैं हुआ क्या है, वर डेबिटेड टू हिज अकाउंट, टू हिज अकाउंट, ये देखिए फिर से देखिए, यहां मैं बार बार आपको बता रहा हूं, जब अकाउंट लिखा हुआ है तो आप ये मान के चलिए कि आधी एंट्री करेक्ट हुआ है, अगर बुक लिखा हुआ आता है कहीं तो पूरा डेबिट और क्रेडिट साइड गलत है, यहाँ पे अकाउंट लिखा हुआ है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि उसने एक साइड एंट्री सही करी है, किशोर को डेबिट किया है, तो उसने किशोर अकाउंट को डेबिट किया हुआ है, किशोर अकाउंट डेबिट 2,500, और इसके अलावा एक जो हम मान रहे हैं कि इसने हाफ एंट्री सही करी है, तो सही कौन सी करी होगी, उसने कैश अकाउंट सही किया है क्योंकि कैश लिया है, तो कैश अकाउंट को भी उसने डेबिट किया है, कैश अकाउंट डेबिट 2,500
किशोर को उसने क्रेडिट की जगह डेबिट कर दिया, तो क्रेडिट में इसने कुछ भी नहीं किया, टू क्रेडिट में कुछ भी नहीं आ रहा है हमारे पास, क्लियर है। अब हम इसकी रेक्टिफाइड एंट्री बनाएं, हम देखेंगे कैश अकाउंट दोनों तरफ आ रहा है हमारा, हम इसको इग्नोर कर सकते हैं कैश अकाउंट को, और डेबिट साइड में ही है किशोर जो है हमारा, करेक्ट एंट्री में क्रेडिट साइड में है, और यहाँ पे किशोर इनकरेक्ट एंट्री में डेबिट साइड में है। तो 2500 और 2500 करके हम इसको क्रेडिट साइड में लगा देंगे 5000 की एंट्री, और डेबिट में किसको दिखाएंगे, सस्पेंस अकाउंट को। तो करेक्ट एंट्री बनी सस्पेंस अकाउंट डेबिट 5000 रुपीज टू किशोर अकाउंट। क्लियर है, नरेशंस आप अपने आप लिख देंगे, लास्ट में लिखेंगे नाउ रेक्टिफाइड, और आगे चलते हैं। उससे पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, आई होप आपने इन ट्रांजेक्शन्स को नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं पहली दो ट्रांजेक्शन्स को अब रब करने जा रहा हूँ, यहीं पर ही फिर सिक्स्थ और सेवन्थ एंट्रीज को हम करेंगे। चलिए अब हम करते हैं सिक्स ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं, इस सेल ऑफ रुपीज 2000 टू गणेश, यहीं तक ही हमें पता लग रहा है कि क्या करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। सेल हुई है गणेश को, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल है, तो गणेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारी होनी चाहिए करेक्ट एंट्री 2000 रुपीज़ से। अब देखते हैं अकाउंटेंट ने क्या किया है, वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द सेल्स डे बुक, इसका मतलब सेल्स अकाउंट में तो उसने करेक्ट एंट्री किया है, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधे अकाउंट रुपीज 200। देखिए कहाँ उसका दिमाग था, गणेश को तो भूल ही गया और राधे को डेबिट कर दिया है उसने, राधे अकाउंट डेबिट 200 रुपीज से, और करेक्टली पोस्ट हुआ है सेल्स अकाउंट में टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट भी सेम सही किया। देखिए कहीं सर पैर नहीं मिल रहा एंट्री का, चलिए कोई बात नहीं, हम बनाते हैं इसमें क्या कॉमन दिख रहा है हमें, सेल्स अकाउंट कॉमन दिख रहा है हमें, तो हम इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है गणेश अकाउंट को, राधे अकाउंट को, तो गणेश अकाउंट को तो हमने डेबिट करना ही है रेक्टिफाइड एंट्री में, गणेश अकाउंट डेबिट 2000 रुपीज़ से, और राधे को हमने डेबिट साइड में है इनकरेक्ट एंट्री में, तो इसको हमने क्रेडिट में ले जाना है टू राधे अकाउंट 200 रुपीज़ से, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। अब बैलेंस का क्या करें, बैलेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में दिखा देते हैं, टू सस्पेंस अकाउंट हमारा क्रेडिट में चला गया। एक दफ़े स्टूडेंट्स आपको समझ में आने लगेगा ना, तब आपको बहुत इन्जॉय करोगे इन ट्रांजेक्शन्स को करने में। अब इसको आप नरेशंस लिख दोगे आप। चलिए अब लास्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेवन्थ ट्रांजेक्शन्स को, ए चेक ऑफ रुपीज़ 500 रिसीव्ड फ्रॉम अशोक वाज डिसऑनर्ड एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट कर दिया गया। एक चीज़ बताइए, हम चेक रिसीव करते हैं किसी से तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल एंट्री पूछ रहा हूँ, हम करते हैं बैंक को डेबिट कर देते हैं और पार्टी को हम क्रेडिट कर देते हैं, तो हम क्या करते थे एंट्री, बैंक को हमने डेबिट किया टू पार्टी का नाम अशोक, ये करते हैं। जब चेक डिसऑनर हो गया, अब ये वाला चेक डिसऑनर हो गया तो हमें बैंक को फिर से क्रेडिट करना पड़ेगा, तो करेक्ट एंट्री क्या बनी इसमें, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बैंक को हमने करना चाहिए था क्रेडिट और अशोक को करना चाहिए था डेबिट, अशोक अकाउंट को हमने किया डेबिट और बैंक को हमने किया क्रेडिट, इसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी, अशोक हमारा फिर से डेटर बन जाएगा। कितने रुपए से था, 500 रुपीज़ से, ये थी हमारी करेक्ट एंट्री। अब इनकरेक्ट एंट्री क्या हुई है इसको देखते हैं, एंड हैज़ बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट,
डेबिट कर दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। यहाँ पे फिर देखिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट की बात हो रही है, बुक की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब आप ये लगा सकते हो कि हाफ़ एंट्री ठीक हुई है, हाफ़ एंट्री ठीक हुई है, तो उसने डेबिट तो कर दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट को, तो उसका मतलब क्रेडिट बैंक अकाउंट को ही किया है। तो इसमें क्या एंट्री बनाई है, इनकरेक्ट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, डेबिट ₹500 टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री बना दी है इनकरेक्ट एंट्री। अब इसमें देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, आप देख रहे हैं बैंक अकाउंट हमारा कॉमन आ रहा है, तो इसको हम इग्नोर किया जा सकता है। इसको इग्नोर करेंगे तो हमारी रेक्टिफाइड एंट्री बन जाएगी, अशोक हमारा ठीक ही है, अशोक अकाउंट हमारा डेबिट साइड में ही आएगा, अशोक अकाउंट डेबिट ₹500 से, और सेल्स रिटर्न अकाउंट जो हमारा डेबिट साइड में बैठा हुआ है इनकरेक्ट एंट्री में, उसको पोजीशन हम चेंज कर देंगे, उसकी सीट चेंज करके हम कहाँ ले जाएंगे उसे, हम क्रेडिट साइड में टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। ₹500। तो ये थी ट्रांजेक्शन स्टूडेंट्स हमारी, जिसको हम ट्रिकी ट्रांजेक्शंस बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी और आपको अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा हमारा वीडियो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज हमारा ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का चैप्टर ख़त्म होता है, अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक देखते रहिए, प्रैक्टिस करिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।